नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आँख के लिए आँखों के लिए कुछ व्यायाम लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, आँख यानी कि आई हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिससे हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने आँखों की देखभाल बिल्कुल वैसे ही करें जैसे हम अपने शरीर के दूसरे हिस्सों की करते हैं। आज की तारीख में आँखों में जलन, दर्द, कम दिखाई देना आम बात हो गई है। दिन ब दिन नेत्र रोग बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण, गलत खानपान, ज्यादा देर तक कंप्यूटर पर काम करना आदि। बहुतों को तो कम उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ जाता है। मित्रों, अगर आप अपने आँखों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी आँखों को भी व्यायाम कराना होगा। बहुत से ऐसे व्यायाम और योगा हैं जो आपकी आँखों को स्वस्थ बनाए रखने में आपकी मदद करते हैं। मित्रों, आज हम अपने इस वीडियो में कुछ ऐसे ही योग और व्यायाम के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। मित्रों, अगर आप थोड़ा सा अपनी आँखों का ख्याल रखें और बतलाए गए व्यायाम को करें तो आपकी नेत्र ज्योति बढ़ सकती है। मित्रों, सबसे पहले पेंसिल पुशअप्स। पेंसिल पुशअप्स एक ऐसा व्यायाम है जो कि आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाने में आपकी मदद करता है। यह एक तरीके का योग है जो कि आँखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। पेंसिल पुशअप एक्सरसाइज को करने का तरीका इस प्रकार है। पहले एक पेंसिल को लेकर उसे अपनी आँखों के सामने हाथों से कुछ दूरी पर रखें। अब उस पेंसिल पर लगातार फोकस करते रहें। अब आहिस्ता आहिस्ता पेंसिल को अपनी नाक के सामने लाएं। इस दौरान आपका फोकस पेंसिल पर बना रहना चाहिए। जब तक पेंसिल आपको एक से दो न नजर आने लगे, तब तक पेंसिल को अपने नाक के करीब लाते रहें। जब पेंसिल दो दिखने लगे तो पेंसिल को आँख के सामने से हटा लें। अब कुछ सेकंड के लिए आँखों को खुला रहने दें और फिर इस एक्सरसाइज को कम से कम 4 से 5 बार दोहराएं। मित्रों, आँखों की सिकाई करें। आँखों की सिकाई करने से आँखों का तनाव कम होता है। सिकाई करने के लिए एक मोटा रुमाल लें। अब इस रुमाल को गर्म पानी में भिगोएं। उसके बाद रुमाल को अपने चेहरे पर रख कर उसे हल्का हल्का दबाएं। 1 से 2 मिनट के बाद रुमाल को चेहरे पर से हटाकर उसे दोबारा गर्म पानी में भिगोएं और फिर उसे अपनी आँखों पर रखें। अब रुमाल के ऊपर से ही अपनी आँखों को हल्का हल्का दबाएं। इस व्यायाम को कम से कम 4 से 5 बार दोहराएं। ध्यान रहे कि जब आपकी आँखों में संक्रमण हो तो इस व्यायाम को न करें। मित्रों, आई रोलिंग। सबसे पहले अपने दोनों आँखों को बंद कर लें। अब अपनी बीच की 3 उंगलियों को आँखों के ऊपर रखें। अब अपनी उंगलियों से अपनी आँखों को धीरे धीरे से गोलाई में घुमाएं। इस एक्सरसाइज को लगभग 1 से 2 मिनट तक करें। मित्रों, पलकों को गर्म करें। जब आप बहुत देर कंप्यूटर या टीवी पर अपनी नजर टिकाए रहते हैं तो आपकी आँखों में काफी थकान महसूस होती है। ऐसे में अपनी आँखों को आराम देने के लिए अपने पलकों को गर्म करें। पलकों को गर्म करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। ऐसा करने से आपकी हथेलियां गर्म हो जाएंगी और फिर उन्हें अपनी पलकों पर 5 सेकंड के लिए रख कर हटा लें। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। मित्रों, कुछ अन्य व्यायाम भी हैं, जैसे जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं और फिर गर्दन हिलाए बिना अपनी आँखों की पुतलियों को दाएं बाएं, ऊपर नीचे और चारों ओर घुमाएं। इस तरह से कम 5 से 7 मिनट तक करते रहें। आँखों की कमजोरी को दूर करने के लिए एक चेयर पर बैठकर अपने सिर को पीछे की ओर टिकाएं और फिर 3 से 4 मिनट तक अपनी दोनों आँखों को बंद करके झपकी लें। मित्रों, कई सारे योग ऐसे हैं जिसे करने से आँखों को आराम पहुँचता है, जैसे कि अनुलोम विलोम, उष्ट्रासन, ब्रह्म मुद्रा, शीर्षासन आदि। परंतु मित्रों, कुछ सावधानियां भी बहुत जरूरी हैं, जैसे ज्यादा देर झुककर सोकर कम लाइट में पढ़ाई लिखाई न करें। मित्रों, कंप्यूटर पर काम करते समय और टीवी देखने के समय चश्मा जरूर पहनें। मित्रों, रात को 8 घंटे के लिए गहरी नींद में सोएं। धूम्रपान व मद्यपान से परहेज करें। मित्रों, खाने में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स अधिक लें। मित्रों, जितना ज्यादा हो सके हरी सब्जियों का सेवन। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञान वर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।